नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। देश में इन दिनों नीट परीक्षा को लेकर जमकर विरोध हो रहा है। स्टूडेंट्स लगातार सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट एग्जाम दोबारा कराने की मांग भी की जा रही है। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिसका अब बड़ा असर भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसके बाद अब नीट यूजी में टॉपर्स की संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 1563 स्टूडेंट को दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस लेने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते ये बदलाव होगा। जानकारी के मुताबिक 1563 कामयाब कैंडिडेट्स में शुमार इन 6 कैंडिडेट्स ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया था और टॉप 61 कैंडिडेट्स के साथ उन्होंने फर्स्ट रैंक साझा की थी। परीक्षा में धांधली की खबरें सामने आई, विरोध होने लगा तो ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठने लगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन सभी 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस ले जाएंगे जिन्होंने MBBS और ऐसे ही अन्य कोर्सेज के लिए एग्जाम दिया था। ऐसे में इन कैंडिडेट्स के पास दो ही विकल्प होंगे, पहला कि वे दोबारा एग्जाम दे सकते हैं और दूसरा ये कि ये ग्रेस मार्क्स लौटा दें। एनटीए के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि इन 1563 कैंडिडेट्स में शामिल 6 अभ्यर्थियों ने 61 कैंडिडेट्स के साथ फर्स्ट रैंक हासिल की थी। ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाने के बाद टॉप रैंकर्स की संख्या 67 से घटकर 61 रह जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि अगर ये 6 कैंडिडेट्स दोबारा टेस्ट देकर 720 में से 720 अंक हासिल नहीं करते हैं तो दोबारा टॉप रैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। एनटीए के अफसर से बाकी कैंडिडेट्स की रैंक पर पड़ने वाले असर को भी लेकर भी सवाल पूछा गया। उन्होंने बताया है कि सभी 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर प्री नॉर्मलाइजेशन स्कोर होंगे, ना कि ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर। जब हमको पता लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं, उसके बाद हम रिवाइज्ड रैंक लिस्ट जारी कर देंगे। एनटीए के अधिकारी से जब काउंसलिंग की तारीख में बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया 6 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल कॉलेजों और अन्य इंस्टीट्यूट में सफल कैंडिडेट्स का एडमिशन सामान्य तरीके से होगा। अदालत ने एग्जाम रद्द करने को लेकर लगाई गई याचिकाओं को खारिज करके राहत दी है। बता दें कि एनटीए ने दोबारा एग्जाम कराने के लिए 23 जून की तारीख तय की है, जिसके नतीजे 30 जून तक घोषित कर दिए जाएंगे। खैर, देश में दिन ब दिन नीट परीक्षा को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है और देश के कई हिस्सों में छात्र पोस्टर लगाकर प्रदर्शन जोरों शोरों से कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य।